असलकम टुडे इज़ लेक्चर नंबर थर्टी थ्री ऑफ आ कोर्स सी एस टू जीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट था या टॉपिक था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर बात करेंगे फिर जो मैंने पिछली दफ़ा जिक्र किया था आज उसको एक्सप्लिसिटली एक्सप्लें करेंगे कि ये दिस पॉइंट तक जता है ये क्या चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग में बहुत काम आता है फिर हम आगे चल के कुछ इनकी डिटेल के एग्जांपल्स देखेंगे और शायद हम कन्वर्जन फंक्शंस जो हैं उनको भी आज कवर कर पाए तो आइए शुरू करते हैं बाय टेकिंग अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज ऑल अबाउट देखें आई हैड दैट टू बी एबल टू राइट कोड दैट लुक सिंपल एंड क्लीन समटाइम्स वी वॉन्ट टू ओवरलोड ऑपरेटर्स इन आर क्लासेज कोशिश ये होती है कि अगर हमारे पास कोई क्लास डिफाइंड है और उसके ऑब्जेक्ट्स हैं और दो ऑब्जेक्ट्स को हम जमा करना चाहते हैं और जमा का मतलब उस क्लास के लिए पर्टिनेंट है इट्स स्पेसिफिक टू दैट क्लास तो हम चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी को हम ए प्लस बी लिख सकें सो इट मीन्स वीर एडिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड रिमेंबर ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेज ऑफ अ क्लास एंड अ क्लास इज़ नथिंग मोर देन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तो हम चाहते हैं कि हमारा कोड जो है ना वो बड़ा सिंपल और एलिगेंट नज़र आए ये भी मैंने बात की थी कि जी क्लास लिखते लिखते पता चला कि जी हम बहुत सारा कोड क्लास की डेफिनेशन के अंदर लिख रहे हैं और जब हम क्लास इस्तेमाल करने आते हैं तो उस वक्त काम बहुत आसान हो जाता है सो इन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग और इवन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एफर्ट जो है हमारी वो ज़्यादातर क्लासेस की डेफिनेशन के ऊपर हो जाती है बिकॉज नाउ द क्लासेज आर डेटा टाइप्स दैट नो हाउ टू मैनिपुलेट दम सेल्स दे नो हाउ टू एड

और आप उसके दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी लेके आप लिखते हैं ए इक्वल टू बी तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ के जी पहला इंटीजर पहले इंटीजर में कॉपी हो जाता है दूसरे की वैल्यू दूसरे इंटीजर में चली जाती है एंड सो ऑन इट्स अ मेंबर वाइज कॉपी डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर तो लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड कर दिया वॉट हैपन्स इफ़ वी वॉन्ट टू डू समथिंग मोर वी वॉन्ट टू डू समथिंग स्पेशल हैंडल स्पेशल केसेज वो केसेज भी हम देखेंगे कब आते हैं और वो इनफैक्ट इज एन इंटरेस्टिंग क्लास ऑफ क्लासेज जो कि स्पेसिफिकली हम एक अलहदा लेक्चर में भी कवर करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक कि उनके लिए क्या लवाजमात हैं बट लेट्स टेक अ लुक एट आर फेवरेट क्लास विच इज़ अ स्ट्रिंग क्लास स्ट्रिंग क्लास जो है हम अपने लिए डिफाइन कर ले हैं हम C++ की बिल्ट इन स्ट्रिंग क्लास की अभी बात नहीं कर रहे वॉट इट विल बी इज सिंपली अ क्लास विच हैज़ अ कैरेक्टर एरे इन साइड एज अ डेटा मेम्बर रिमेंबर अ स्ट्रिंग इज नथिंग बट एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स तो हमने अपनी एक स्ट्रिंग क्लास डिफाइन की उसके अंदर उसका डेटा मेंबर जो है वो बफर है सो so बफ हमने लिखा हुआ है दैट इज़ अ कैरेक्टर एरे और उसको हम बाकी कंस्ट्रक्टर्स भी हैं डिस्ट्रक्टर्स भी हैं अब उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का हमने फिक्र करना है सपोज हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर है जो कि अलाउ करता है बफर के अंदर कोई स्ट्रिंग प्लेस करने का सो आई कैन से समथिंग लाइक इन माई मेन प्रोग्राम स्ट्रिंग एस वन विद इन परेंथिस और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर मैं कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ समथिंग लाइक दिस इज़ अ टेस्ट तो एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया इनिशलाइज हो गया और उसके बफ़र के अंदर ये स्ट्रिंग प्लेस हो गई एंड बफर विल बी लार्ज अनफ टू होल्ड दैट स्ट्रिंग एज डिफाइंड इन आर कंस्ट्रक्टर वॉट हैपन्स इफ आई हैव अनदर ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेट्स कॉल इट एस टू और मैं लिखना चाहूँ एस टू इज इक्वल टू एस वन अब देखें बफर जो है वो इन दिस केस इज़ नथिंग बट अ पॉइंटर टू अ मेमोरी लोकेशन इफ़ इट्स एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स देन द नेम ऑफ द एरे इज़ नथिंग बट अ पॉइंटर टू द स्टार्ट ऑफ द मेमोरी लोकेशन अगर डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो जाए यहाँ पे तो व्हाट विल हैपन इज़ कि जी एक पॉइंटर की वैल्यू यानी बफ की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के, के, के बफ की वैल्यू के अंदर चली जाएगी यानी द सेम एड्रेस विल नाउ बी फाउंड इन बोथ ऑफ दिज ऑब्जेक्ट्स सपोज यू डिलीट वन ऑब्जेक्ट वो स्कोप में से ख़त्म हो जाता है चला जाता है डजेंट एग्जिस्ट नॉर्मली इस किस्म के ऑबजेक्ट का जो डिस्ट्रक्टर है वो मेमरी हाउस कीपिंग करेगा ठीक है कि हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो हमने फ्री स्टोर से कुछ मेमरी एलोकेट की थी अब अगर ये ऑब्जेक्ट मरने लगा है तो वो मेमरी वापस फ्री स्टोर पर भेज दो तो वो एस वन ऑबजेक्ट की जो मेमरी एलोकेटड थी वो फारिग करके फ्री स्टोर पर भेज देगा लेकिन उस बेचारे S2 का क्या हुआ जिसको हमने कहीं पे कह दिया था S2 टू इज़ इक्वल टू एस वन के अंदर अब बफ जो है उसका कैरेक्टर एरे उसका नाम जो है इट नाउ होल्ड एन एड्रेस ऑफ मेमरी जो एक्चुअली फ्री स्टोर पे जा चुकी है इट नो लॉन्गर इज़ एलोकेटेड सो इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बार बार आते हैं और इसके लिए हमें अपना असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना पड़ता है बिफोर गोइंग ऑन इन टू द स्ट्रिंग असाइनमेंट ऑपरेटर लेट स्टेप बैक एंड लुक लुक एट लिटिल बिट एट द एडिशन ऑपरेटर जो हमने स्ट्रिंग्स के लिए डिफाइन किया था उसके अंदर भी एक फाइन डिटेल पॉइंट है जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ जब हमने स्ट्रिंग्स के लिए एडिशन ऑपरेशन डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि जी अगर एक स्ट्रिंग हो और उसमें दूसरी स्ट्रिंग ऐड करनी हो यानी उसको कॉन्केटिनेट करके बड़ा करना हो तो क्या किया जाए उस वक्त हमने एक बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर दिया था कि जी स्ट्रिंग हमारी जो डिफाइंड है वो है कैरेक्टर बफ और उसमें थर्टी कैरेक्टर्स की जगह है अगर थर्टी कैरेक्टर्स की जगह है और हमारे पास दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हों और दोनों में स्ट्रिंग्स भरी पड़ी हों यानी एक में कोई बीस कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है एक में बीस कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है तो वो जमा कैसे होगी नाउ फॉर द मोमेंट क्योंकि हम कोई मेमरी एलोकेशन नहीं कर रहे हमने एक फ़िक्स लेंथ बफर रखा हुआ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्लस ऑपरेटर जो है वो एरर चेकिंग करे वो पहले एक स्ट्रिंग की स्ट्रिंग लेंथ ले फिर दूसरी स्ट्रिंग की स्ट्रिंग लेंथ ले दोनों को जमा करे और देखे कि वो थर्टी जो हमने डिफाइन की हुई है कि स्ट्रिंग की लेंथ इनसाइड द ऑब्जेक्ट उससे ज़्यादा तो नहीं और अगर ज़्यादा है तो फिर वो एम स्ट्रिंग रिटर्न कर दे या कोई और लॉजिकल बिहेवियर उसके लिए हम डिफाइन कर देते हैं अदरवाइज़ वो असाइन करे ये एक छोटा सा असाइट था टू शो कि जी एरर चेकिंग हर जगह पे हमें करनी चाहिए नाउ वी कम टू एक्चुअल एलोकेशन यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर देखें मैंने पहले बताया कि आपको प्रॉब्लम क्या आता है प्रॉब्लम यह आता है कि जो बफ हमने डिफाइन किया हुआ है इट मस्ट नॉट पॉइंट टू द सेम मेमरी लोकेशन इन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग हर एक की अपनी स्ट्रिंग की जगह होनी चाहिए मेमरी में और उसकी अपनी वैल्यू होनी चाहिए

फॉर द मोमेंट रिमेंबर कि जो लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट है वो कॉल करेगा इक्वल ऑपरेटर को सो इफ वी राइट अ स्टेटमेंट लाइक एस टू इक्वल टू एस वन तो एस टू जो है वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है फंक्शन का और एस वन जो है वो इक्वल टू ऑपरेटर फंक्शन को पास होगा एज एन आर्गमेंट सो एस टू का जो डेटा स्ट्रक्चर है यानी बफ वो तो विदाउट एनी प्रीफिक्स विदाउट स्पेसीफाइंग इस ऑपरेटर फंक्शन के अंदर अवेलेबल है और एस वन जो है उसका बफ जो है उसको हमें एस वन डॉट बफ़ करके एक्सेस करना पड़ेगा सो so, हम करते क्या हैं सपोज नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द फुल कॉन्सेप्ट ताकि कोई भी फाइन पॉइंट भी ना रह जाए सपोज़ एस टू में पहले भी कोई वैल्यू पड़ी हुई थी ना अगर एस टू में कोई वैल्यू पड़ी हुई थी तो वॉट वी टॉकिंग इज कि उसका बफ जो है बफर उसने मेमरी में कोई जगह एलोकेट की हुई थी और उसके अंदर कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग पड़ी हुई थी तो सबसे पहले असाइनमेंट करने में पहले तो जो एलोकेटेड मेमोरी थी एस टू की उसको फारिग किया जाए क्योंकि उसके ऊपर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं और हमें नहीं पता कि जो चीज़ लिखनी चाह रहे हैं वो कम है या पहली वाली वैल्यू से ज़्यादा है सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ डिलीट बफ पहले और देखिए ये मैंने बफ सिर्फ विदाउट एनी प्रीफिक्स लिखा है दैट मीन्स कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट का बफर जो है वो हम डिलीट कर रहे हैं और डिलीट यू रिमेंबर इज द ऑपरेटर दैट फ्री इज़ द मेमरी इन दिस न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स विथ सी प्लस प्लस अब वो बफर फ्री हो गया उसके लिए अब नई जगह चाहिए कितनी जगह चाहिए जो एस वन का बफर है उसके अंदर जितनी लंबी स्ट्रिंग पड़ी हुई है उतनी जगह हमें एस के लिए एलोकेट करनी है तो यहाँ पे हम न्यू ऑपरेटर कॉल करते हैं और उसको वैल्यू क्या देते हैं स्ट्रिंग लेंथ ऑफ एस वन प्लस एस एस वन डॉट बफ़ यानी S1 के बफर की स्ट्रिंग लेंथ ले ली उसमें एक जमा भी कर दिया कोई बता सकता है क्यों जमा किया रिमेंबर C या C++ की स्ट्रिंग्स जो हैं उनके अखीर पे एक नल कैरेक्टर लिखा जाता है बैक स्लैश जीरो सो वेन वो यू वॉन्ट टू पुट अ स्ट्रिंग लाइक दिस इज़ अ टेस्ट इन टू अ बफर तो दिस इज़ अ टेस्ट प्लस वन कैरेक्टर स्पेस फॉर द नल कैरेक्टर ये आपको एलोकेट करनी चाहिए सो so हमने न्यू ऑपरेटर के साथ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ एस वन प्लस बफ प्लस वन हमने जगह एलोकेट की फ्री स्टोर से और इसका एड्रेस डाल दिया हमने बफ के अंदर और बफ याद रहे विदाउट अ प्रीफिक्स है सो so ये लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑब्जेक्ट यानी एस टू का बफ़ की बात हो रही है जब एस टू के बफ़ के पास एक वैलिड मेमोरी एड्रेस आ गया तो हमने स्ट्रिंग कॉपी के साथ एस वन डॉट बफ को बफ के अंदर कॉपी कर दिया और फंक्शन ख़त्म हो गया नाउ वट हैज़ हैपन्ड इज़ एस टू के बफ के अंदर एस वन के बफ की स्ट्रिंग कॉपी हो चुकी है लेकिन दोनों की जगह जो हैं मेमोरी में, में वो अलहदा अलहदा हैं फायदा अब आप एस वन को डिलीट कर दें द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप या एस टू को डिलीट कर दें इट डज नॉट अफेक्ट द अदर ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल मैंने आपको स्ट्रिंग्स के साथ दिया है बट दिस एग्जाम्पल इज मोर जनरल द एग्ज़ाम्पल पर जहाँ पे क्लास के अंदर आप मेमोरी मैनिपुलेशन करते हैं जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल टू ऑपरेटर डिफाइन कर दिया जाए वरना ये उनके पॉइंटर्स और एड्रेस की वैल्यू का कॉपी कर लेगा बाय डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर और उनके जो एक्चुअल वैल्यूज हैं और मेमोरी एलोकेशन है वो नहीं हो पाएगी सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ये एग्जांपल हमने स्ट्रिंग क्लास के लिए कवर किया लेट्स गो ऑन एंड टेक अ लुक एट वॉट हैपन्स वेन वी एक्चुअली डू दिस असाइनमेंट देखें अगर मैं इंटेजर्स की असाइनमेंट कर रहा हूँ मेरे पास तीन इंटेजर्स हैं आई जे के नाउ इट इज लीगल फॉर मी टू राइट आई इज़ इक्वल टू जे सपोज इनमें कोई वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो मैंने लिख दिया आई इक्वल टू जे चलिए जे की वैल्यू आई को असाइन हो गई फिर मैंने लिख दिया के इज इक्वल टू आई तो आई की वैल्यू के को असाइन हो गई नो no प्रॉब्लम बट एज सी प्रोग्रामर्स वी नो दैट वी कैन राइट दिस इन वन लाइन वी कैन राइट दिस एज आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के और द अदर वे राउंड जैसे मैंने पहले कहा था उसके मुताबिक होगा के इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे यानी पहले जे की वैल्यू आई में असाइन हो और फिर आई की वैल्यू के में असाइन हो सो वॉट इज द मैकेनिज्म दैट मेक्स दिस वर्क आई मैंशन सम लेक्चर्स अ गो के सी में या सी प्लस प्लस में हर एक्सप्रेशन जो है हर हम ए इक्वल टू बी लिख रहे हों या ए मल्टीप्लाइड बाई बी लिख रहे इन होंसप्रेशन बजाते ख़ुद की अपनी कोई वैल्यू होती है और वह वैल्यू जो है दैट अलाउज़ दीज चेंज असाइनमेंट स्टेटमेंट्स टू वर्क फॉर एग्जांपल हमने जहाँ लिखा के इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू जे तो पहले आई इक्वल टू जे एक्सीक्यूट हुआ वो एक्सप्रेशन जो है या वो असाइनमेंट जो है उसकी बज़ा ख़ुद एक वैल्यू रिटर्न होगी क्या वैल्यू होगी जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को असाइन हुई है यानी आई को जो वैल्यू असाइन हुई थी वो वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू बन जाती है एंड दैट इज़ वॉट इज रिटर्न सो जो के इक्वल टू वाला हिस्सा है उसको ये नई वैल्यू रिटर्नड वैल्यू नज़र आती है सो so, के को नई वैल्यू असाइन हो जाती है इट वर्क्स दैट वे फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हो के इज इक्वल टू आई इक्वल्स प्लस प्लस जे तो प्लस प्लस आपको पता है इज एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट जो है वो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया प्लस प्लस जे से पहले लिखा हुआ है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जी पहले जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय वन और फिर जो रिजल्ट आता है वो आई को असाइन होगा सो so अगर आप इस एग्जाम्पल को भी देखें तो प्लस प्लस जे ने भी कोई वैल्यू रिटर्न की है तभी वो असाइनमेंट में काम आ सका है और फिर आई की नई वैल्यू के तक चली जाती है हाउ कैन वी मेक दिस वर्क विद आर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यानी अगर मेरे पास तीन स्ट्रिंग्स हों एस वन एस टू एस थ्री और लेट्स से के जी एस वन के अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है यानी एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और उसमें कोई वैल्यू उसकी स्ट्रिंग के बफर के अंदर पड़ी हुई है कैन वी हाउ कैन वी राइट एस थ्री इक्वल्स एस टू इक्वल्स एस वन एस टू इक्वल्स एस वन तो हमने अभी लिख लिया जो असाइनमेंट ऑपरेटर कवर किया लेकिन उस असाइनमेंट ऑपरेटर का कोड फिर से ज़रा रिव्यू करें देखें वो कोड के अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं थी यानी दैट ऑपरेटर एक्चुअली रिटर्न नथिंग सो इट हैड अ रिटर्न टाइप सो इट वॉज वॉइड स्ट्रिंग वॉइड ऑपरेटर इक्वल टू स्ट्रिंग कोलन कोलन क्योंकि मेम्बर ऑफ द क्लास स्ट्रिंग है और फिर हमने डिफाइन किया था और बफर को कोई वैल्यू असाइन कर दी थी स्ट्रिंग कॉपी के साथ और फंक्शन जो है ऑपरेटर फंक्शन ख़त्म हो गया दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी थिंग इफ इट इज़ नॉट रिटर्निंग एनी थिंग एस थ्री इक्वल्स एस टू इक्वल्स एस वन काम नहीं कर सकता हाउ कैन वी मेक दिस वर्क ये जादू जो है ये दिस पॉइंटर के थ्रू काम आता है दिस पॉइंटर जो है टी एच आई एस ये वाला ठीक है सो द नेम इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के जी ये वाला पॉइंटर भाई कौन सा वाला पॉइंटर हर क्लास का जब भी कोई मेंबर फंक्शन कॉल हो वेन एवर एंड ऑब्जेक्ट कॉल्स अ मेंबर फंक्शन इम्प्लिसिटलीनि बग़ै दिखाए हुए बग़ै आपको बताए हुए उसको एक कॉलिंग ऑब्जेक्ट के तरफ से एक पॉइंटर भी मिल जाता है उस पॉइंटर को हम कहते हैं दिस पॉइंटर दिस इज़ अ की वर्ड ठीक है टी एच आई एस इज़ अ की वर्ड सो यू कैंट यूज़ इट एज अ वेरिएबल नेम वो दिस पॉइंटर फंक्शन के अंदर मौजूद होता है और वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है विच मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यही अगर बफर को रेफर करना हो कोई भी आर्बिट्ररी मेंबर फंक्शन है स्ट्रिंग क्लास का तो या तो मैं कॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ बफ लिख दूँ देट इज़ अनफ कॉलिंग ऑब्जेक्ट के बफ की बात हो रही है बट आई कैन ऑल्सो राइट दिस राइट एरो बफ विच मीन्स दिस पॉइंटर जिस चीज़ को भी पॉइंट कर रहा है उसका डेटा मेम्बर कॉल्ड बफ दे आर एग्जैक्टली इक्वेवलेंट आई कैन ऑल्सो से अ थर्ड वे विद इन परेंथिस स्टार दिस विच मीन्स वॉट एवर दिस पॉइंट्स टू दिस को डी रेफरेंस कर लिया स्टार ऑपरेटर के साथ जैसे हम पॉइंटर्स के साथ करते रहे हैं और वो क्योंकि अब ऑब्जेक्ट आ गया तो अब इसके बाद एरो नहीं लगेगा पैरथिसिस के बाद फुल स्टॉप और फिर बफ लगता है सो so ये तीनों स्टेटमेंट्स फॉर अ कॉलिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन आर एग्जाम्पल अगर लिखा हो बफ या लिखा हो दिस एरो एरो इज द हाइफन ग्रेटर दैन साइन फिर बफ या लिखा हो विद इन परेंथिसिस स्टार दिस फुल स्टॉप बफ ये तीनों एग्जैक्टली इक्वलेंट हैं हाँ हम जो दिस वाली स्टेटमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है हम सिंपली बफ लिख देते हैं तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट का बफ़ जो है बफर उसको हम रेफर कर सकते हैं बट दे ऑल विल वर्क यू कैन ट्राई दैम आउट द दिस पॉइंट इज़ नोन टू द मेम्बर फंक्शंस आखिरी वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जी पैरेंथिस के अंदर स्टार दिस आई होप यू नो कि हमने परेंथिस क्यों डाले हैं कोई आइडिया है देखें जो डॉट ऑपरेटर है जहां हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर इन दिस केस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट बफ वो ज़्यादा टाइट बाइंडिंग है उसकी एज़ कंपेयर टू द स्टार ऑपरेटर जो दिस के साथ हमने लगाया हुआ है अगर आप ये लिख देंगे वो हो जाएगा दिस डॉट बफ एंड देन डी रेफरेंस बाय द स्टार तो हम पहले डी रेफरेंस करना चाहते हैं ताकि दिस पॉइंटर से हमें ऑब्जेक्ट मिल जाए और फिर उस ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर यानी डॉट बफ़ हम लेना चाहते हैं इस वास्ते ये पैरेंथिस लगाने ज़रूरी हैं अब बैक टू आर टॉपिक कि ये दिस पॉइंटर जो है इसका काम कहाँ पे आता है चलें इसको पहले हम एक तो मैंने आपको आइडिया दिया कि हम स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हैं एक लाइन में एस थ्री इक्ल्स एस टू एस एस वन और वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन जो है उसको अस कंसिडर दैट प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज हमारे पास एक इंट आई हो तो प्रोग्राम में कहीं पे भी अगर हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू आई क्या होगा नथिंग इट्स एन ऑल राइट इट्स अ डू नथिंग लाइन लेकिन इट्स नॉट इवन एन एरर लेकिन अब जरा अपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जरा गौर करें कि हमने स्ट्रिंग एस और उसको इनिशलाइज किया हुआ है विद सम स्ट्रिंग दिस इज अ टेस्ट और समथिंग लाइक दैट और हम कह देते हैं एस इक्वल्स एस मैं वो भी बता दूंगा कि कहाँ पे ये कहा जाएगा ऑब्वियसली यू वोट राइट एनी कोड लाइक दिस बट इक्वल्स का ज़रा बिहेवियर देखें इस वक्त क्या होगा याद रहे जो हमने इक्वल टू ऑपरेटर इस वक्त स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्लास के लिए डिफाइन किया हुआ है उसमें जैसे ही आप जाते हैं वो पहला काम क्या करता है कॉलिंग ऑब्जेक्ट के बफर को डिलीट करता है यानी अगर उसने कोई मेमोरी एलोकेट की हुई थी उसको फ्री स्टोर पे भेज देता है अब जब हमने लिखा s इक्ल टू एस तो इक्वल टू यानी असाइनमेंट ऑपरेटर ने सबसे पहले एस के बफर को फारिग कर दिया अब उसके बाद इट इज ट्राइंग टू टेक द बफर ऑन द राइट हैंड साइड विच हैपन्स टू ऑलरेडी हैव बीन डिलीटेड एंड इट्स ट्राइंग टू एलोकेट स्पेस एंड असाइन इट टू एस थिंग्स ब्रेक डाउन एवरी थिंग गोज क्रेजी इस चीज को कहते हैं सेल्फ असाइनमेंट यानी एक्स इक्वल टू एक्स अगर लिखना हो उसको कहते हैं सेल्फ असाइनमेंट सेल्फ असाइनमेंट डायरेक्टली तो नॉर्मली हम कोड में कभी भी इस तरह नहीं लिखते लेकिन कई जगह ऐसी आ जाती हैं कि जी अगर आपने एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसी पॉइंटर में रखा हुआ है सो वि स्ट्रिंग एस कॉमा स्टार एस पी टी आर सो एस पी टी आर इज़ नाउ अ पॉइंटर टू अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एंड एस इज अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट तो कहीं पर हम ले एस पी टी आर आर इक्वल्स एंड एस सो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एस का एड्रेस लिया और वो एस पी टी आर के अंदर प्लेस कर दिया अब आप कोड लिखते गए लिखते गए लिखते गए और नीचे जाके कहीं पे आपने कहा एस इज इक्वल टू स्टार एस पी टी आर कहेंगे जी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है इसमें मैं वैल्यू कौन सी डालना चाहता हूँ जो कि एस पी टी आर इस वक्त पॉइंट कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट को उसकी वैल्यू ये भूल गया कि जी बीस लाइन्स पहले एस पी टी आर में एस का ही एड्रेस रखा गया था इफेक्ट उसका बिल्कुल वही होगा जो पहले मैंने बताया एस इक्वल टू एस वाला जो इफेक्ट है वो हो जाएगा बफर इसका डिलीट हो जाएगा असाइनमेंट हो नहीं पाएगी योर प्रोग्राम विल बिकम अनप्रिडिक्टेबल, सो सेल्फ असाइनमेंट इज़ वेरी डेंजरस एंड वी हैव टू वॉच आउट फॉर इट अगेन इट इज डेंजरस वेन वी हैव मेमरी बींग मैनिपुलेटेड इन अ क्लास और स्ट्रिंग क्लास इज अ क्लासिक एग्जाम्पल जहाँ पे हम मेमरी एलोकेशन करते हैं सो वॉट शुड वी डू पहली चीज़ लेट्स गो बैक एंड से जी दिस पॉइंटर अवेलेबल है इक्वल टू ऑपरेटर फंक्शन को आंसर इज येस बाय इट्स वेरी डेफिनेशन एवरी मेंबर फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन हो या रेगुलर मेंबर फंक्शन हो उसको दिस पॉइंटर मिलता है इट गेट्स अ पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्ड इट विच मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो इक्वल टू के अंदर सबसे पहले हमें टेस्ट ये करना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट मुझे कॉल कर रहा है और जो ऑब्जेक्ट मुझे दिया गया है यानी द राइट हैंड साइड वो एक ही तो नहीं है सो वी शुड राइट समथिंग लाइक अब इसका प्रोटोटाइप देखें कि हमने अगर प्रोटोटाइप लिखा हुआ अभी वॉइड ही है इसकी रिटर्न टाइप कुछ नहीं है सो वी से वॉइड स्ट्रिंग कोलन कोलन ऑपरेटर इक्वल टू एंड विद इन परंथिसिस वी से समथिंग लाइक स्ट्रिंग अदर एंड नॉर्मली इट्स अ रेफरेंस सो इट्स स्ट्रिंग एंड अदर सो अदर स्ट्रिंग जो हम पास कर रहे हैं अंदर जाके पहला काम आप ये कहें करें कि जी दिस को चेक करें अदर के एड्रेस के साथ सो इफ दिस इज इक्वल टू एंड अदर आप देखें एम्पस एंड जो है जो एंड जिसको मैं कह रहा हूँ, उसके भी ओवर ओवर राइडिंग वाले मतलब आ रहे हैं कि जी ऊपर जो प्रोटोटाइप में आया उसका मतलब था अदर इज अ रेफरेंस टू स्ट्रिंग और यहां पे जब हमने एंड अदर लिखा इट मीनस द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल्ड अदर सो अ लिटल कंफ्यूजिंग बट अगेन यूजेज कि जहां हमने स्ट्रिंग एंड लिखा है तो वो रेफरेंस है जहां पे कोई डेटा टाइप एंड ऑपरेटर से पहले नहीं आ रही तो इट इज़ द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर सो नाउ द फर्स्ट टेस्ट इन आर असाइनमेंट इज इफ दिस इक्वल्स एंड अदर रिटर्न कुछ ना करो फॉरन निकल जाओ ये सेल्फ असाइनमेंट की कोशिश हो रही है

कि जी अब इक्वल ऑपरेटर जो है कोई वैल्यू रिटर्न भी करे और रिटर्न क्या करे बैक टू आर डेफिनेशन कि जब एक एक्सप्रेशन जो है एक असाइनमेंट स्टेटमेंट ले लें उसने अगर कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रिटर्न करेगा सो इन दिस केस जब ये जो हमारी s3 थ्री इक्वल टू एस टू इक्वल टू एस इस एक्सप्रेशन का जो राइट right वाला हाफ़ है s2 टू इक्वल टू एस ये जब एक्सीक्यूट होगा हम चाह रहे हैं जो वैल्यू एस टू में आए वो वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू बन के वापस हो सो वॉट आर वी डूइंग हाउ डू वी रिटर्न दिस वैल्यू वेल आई ऑलरेडी सेट दैट वी रिटर्न दिस वैल्यू नो डोंट गेट कन्फ्यूज देखें ऑल वी नीड टू डू इज पहले तो असाइनमेंट कर ली अब हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इक्वल टू ऑपरेटर थोड़ा सा एक्सपेंड हो रहा है सबसे पहले हमने उसमें एक एरर चेकिंग कर दी कि जी सेल्फ असाइनमेंट ना हो और वो एरर चेकिंग की दिस पॉइंटर के हवाले से उसके बाद हमने वही वाला पहला काम किया कि जो हमारा कॉलिंग ऑब्जेक्ट है इन दिस केस एस टू उसके बफ़र को डिलीट किया और उसके लिए हमें कोई प्रीफिक्स नहीं चाहिए क्योंकि कॉलिंग ऑब्जेक्ट इज़ अवेलेबल डायरेक्टली अगेन यहाँ पर मैं लिख सकता था कि दिस एरो बफ को डिलीट करो पर ज़रूरत कोई नहीं है बफ इज़ द नेम ऑफ द कॉलिंग ऑब्जेक्ट्स डेटा मेम्बर को तो डिलीट किया फिर उसके लिए मेमोरी एलोकेट की न्यू के साथ जिसमें एस वन के बफर की स्ट्रिंग लेंथ ली और उसमें प्लस वन करके मेमोरी एलोकेट की और फिर स्ट्रिंग कॉपी करके बफ में डाल दी अब देखें एस टू के ऑब्जेक्ट वाला काम हो चुका है उसके अंदर असाइनमेंट हो गई है एस वन की वैल्यू उसके अंदर आ चुकी है और उसकी अपनी जगह है मेमरी में वापस हम क्या करना चाहते हैं एक बना हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग जो कि फिर इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेशन के अंदर हिस्सा ले सके सो वी नीड टू रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट सो वी से रिटर्न वॉट रिटर्न वॉट एवर दिस पॉइंट टू रिटर्न स्टार दिस हाउ डज दैट वर्क देखें स्टार दिस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है एस टू इक्वल टू एस वन के अंदर इट्स रिप्रेजेंटिंग एस टू द लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑब्जेक्ट जिसने इक्वल टू साइन को कॉल किया था सो वैन वी से रिटर्न स्टार दिस वी आर सेग वट एवर द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वॉज उसको रिटर्न कर दो एज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन सो वंस द असाइनमेंट ऑपरेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड दैट असाइनमेंट इट सेल्फ हैज़ अ वैल्यू एंड द वैल्यू इज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड सो अब एस थ्री इक्वल टू क्या नज़र आता है उसको एक ऑब्जेक्ट नज़र आता है जिसकी वैल्यू वो है जो कि एस टू की वैल्यू थ्री सो एस थ्री इक्वल टू एस टू ऑल्सो वर्क्स लेट्स लोकेट इट अगेन स्लोली पहली चीज थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि जी कॉल बाय वैल्यू होगा कॉल बाय रेफरेंस होगा वापस ऑब्जेक्ट भेजना है कि रेफरेंस भेजना है जब हम वापस कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जी लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑब्जेक्ट जो है वही रिटर्न हो जाए एज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन तो इट इज़ मोर एफिशंस टू सिंपली रिटर्न रेफरेंस टू दैट ऑब्जेक्ट So normally now we see the equal to operator in its full glory. Now it has a return type of string and, which means it returns a reference to a string. So ab void khatamhogy, it is a string and operator equal to, or phir within parentheses, it also takes a reference to a string. So string and other within the object pehle दिस के साथ अदर को चेक कर लिया कि एड्रेस बराबर तो नहीं है सो इफ दिस इज़ इक्वल टू एंड अदर रिटर्न कर जाएँ कुछ ना करें आगे जाके अब रिटर्न भी देखना पड़ेगा यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ जाएगा लेकिन फॉर द मोमेंट लेट्स गो ऑन फिर हमने एक्चुअल असाइनमेंट की और फिर कहा रिटर्न स्टार दिस रिटर्न वट एवर दिस पॉइंट्स टू और क्योंकि हमने उसकी ऊपर डेक्लेशन के अंदर ही स्ट्रिंग एंड लिखा हुआ है यानी ये फंक्शन एक रेफरेंस टू अ स्ट्रिंग वापस करता है तो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट जो है रेफरेंस पास हो जाएगा इज़ अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ पासिंग थिंग्स अदरवाइज देखें वो स्ट्रिंग पूरी कॉपी होती स्टैक के ऊपर और फिर उसका ऑब्जेक्ट बनता और फिर वह नाउ वी कैन राइट दीज स्टेटमेंट्स जो कि हम आम इंटीजर्स या फ्लोट्स या डबल्स के साथ लिखते हैं वी कैन नाउ राइट एस थ्रीवल एस टूल्स एस वन एंड एवरीथिंग वर्कस ब्यूटिफुली सो दिस पॉइंटर इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल वन फॉर चैकिंग सेल्फ असाइनमेंट एंड नंबर टू फॉर रिटर्निंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट फ्राम फंक्शंस एक्चुअली अगर आप सोचें तो दिस पॉइंटर आप काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल करते आए हैं थिंक अबाउट इट दिस वे सी आउट के साथ हम क्या चेंज्ड आउटपुट स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं यानी कैन वी राइट समथिंग लाइक सी आउट लेस देन लेस देन ए लेस देन लेस देन बी लेस देन लेस देन सी विद ए बी सी आर एनी डेटा टाइप्स आंसर ये हम करते आए हैं हम एक लाइन में तीन चार चीज़ें लिखते आए हैं हाउ डिड दैट वर्क जो सी आउट का स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है विच डबल लेस दैन ये लेफ्ट एसोसिएटिव है यानी पहले सी आउट लेस देन लेस देन एपरेट करता है और इसको आगे ऑपरेट करने के लिए फिर जो सेकेंड लेस देन लेस देन बी लिखा हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर सी आउट नजर आना चाहिए सो इन अ वे इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर भी जो स्ट्रीम इंसर्शन है यानी डबल लेस दैन साइन उसके अंदर भी रिटर्न क्या चीज़ हो रही है कॉलिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एंड इन दिस केस इट हैपन्स टू बी सी आउट सो सी आउट बजाते ख़ुद एक ऑब्जेक्ट है और उसका रेफरेंस रिटर्न होता है जब भी हम लिखते हैं सी आउट लेस दैन लेस दैन ए सो उसका रेफरेंस आया तो वो फिर सी आउट ही नज़र आया तो वो लेस दैन लेस दैन बी काम कर गया और उसका रेफरेंस वापस जो आया वो फिर सी आउट आया और फिर लेस देन लेस देन सी काम कर गया तो ये सारा काम दिस पॉइंटर के साथ हो रहा है एंड इट इज द सेम थिंग हमने दिस पॉइंटर के साथ बात की कि जी वैल्यू फंक्शन से रिटर्न भी की जाती है तो क्या ये सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं या और ऑपरेटर्स के साथ भी करने की जरूरत है देखें वी वीड ऑलरेडी कवर्ड लेट्स टेक आर बाय नाउ फेमस डेट क्लास ठीक है डेट के अंदर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी डिफाइन किया हमने प्लस भी डिफाइन किया हमने प्लस इक्वल टू भी डिफाइन किया एंड सो ऑन और फिर माइनस भी किया माइनस इक्वल टू भी कर सकते हैं यू कैन डिफाइन ऑल ऑफ दीज जब आप बेसिक स्टेटमेंट की तरफ गौर करें कि जनाब एक्सप्रेशन ने वैल्यू रिटर्न करनी है सो दैट इफ यू हैव डेट ऑब्जेक्ट यू शुड बी एबल टू से समथिंग लाइक डी टू इक्ल डी वन प्लस प्लस या यू कुड बी एबल टू डू समथिंग लाइक या डी वन डी टू जो है ये डेट ऑब्जेक्ट्स हैं सो सेइंग समथिंग लाइक डी टू इज़ इक्वल टू डी वन प्लस वन सो यू रियलाइज के जी प्लस ऑपरेटर को भी कुछ वैल्यू वापस करनी चाहिए प्लस प्लस को भी करनी चाहिए प्लस इक्वल टू भी करनी चाहिए एंड सो ऑन सो लेट अस टेक अ लुक एट द डेट क्लास का कोड जहाँ पर यही ऑपरेटर फिर से हमने लिखे हैं ये कोड जो है इसके अंदर और कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता एक्सेप्ट द फैक्ट दैट नाउ इट रिटर्न अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेट हम डेट ही रिटर्न करना चाह रहे हैं वो रेफरेंस जो है एक तो उसकी जो फंक्शन की डेक्लेशन लाइन है उसमें तब्दीली आ गई सो वी से डेट एंड और फिर आगे डेट ऑपरेटर प्लस प्लस हो या प्लस इक्वल टू हो या प्लस हो इक्वल टू इट वो तो हमने अभी कवर किया स्ट्रिंग क्लास के लिए और फिर अखीर के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डेट ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस भी रिटर्न करना है और वो हमेशा इसी तरीके से ही रिटर्न होता है रिटर्न स्टार दिस सो इट्स क्वाइट सिंपल वेन एवर यू राइटिंग एन अरिथमेटिक ऑपरेटर और हम चाहें कि वो चेंज स्टेटमेंट में इस्तेमाल हो जाए यानी किसी कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल हो सके तो वी हैव टू रिटर्न अ वैल्यू And the easiest way and the most convenient way of returning that value is by a reference to the calling object. अब बड़ी आसानी se हम date arithmetic ki expressions बिल्कुल वैसे लिख सकते ordinary integers ya floats ki arithmetic हम हैं. So we can write date two is equal to date one plus one, ya date two is equal to date one plus plus, and so on. Ya इंट जो है वो तो हमने डिफरेंस माइनस ऑपरेटर को तो वैसे ही इंट रिटर्न किया था सो दैट वॉज इशू बट जब भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करना हो और ऑब्जेक्ट वो वाला जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा हो तो आपको रिटर्न स्टार दिस स्टेटमेंट डालनी पड़ती है और याद रहे कि डेक्लेशन के अंदर नॉर्मली वी यूज़ अ रेफरेंस सो वी से डेट एंड फिर उसका ऑपरेटर का अपना नाम आ जाता है सो दिस पॉइंट इज़ यूज अगेन एंड अगेन जैसे मैंने पहले जिक्र किया जब हम बात करेंगे उन क्लासेस की या वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर मेमोरी एलोकेशन हो रही है तो फिर दिस पॉइंटर जो है इसकी और मतलब भी जो है या और यूजेज़ वो हम इकट्ठी करके फिर से उनको डिस्कस करेंगे आज थोड़ा सा इसको अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और हम कन्वर्जन वगैरह के ऊपर क्या बात कर सकते हैं देखें अब बैक टू आर ऑर्डनरी नेटिव लैंग्वेज हम कहते हैं कि जी मेरे पास एक इंटीजर आई है और एक फ्लोट एक्स है अगर कहीं पे मैं प्रोग्राम में लिखूं एक्स इक्वल टू आई तो क्या होता है आई सी लैंग्वेज जो है या सी प्लस प्लस ऑटोमेटिकली इंटेजर आई को प्रोमोट कर देती है इट कॉन्वर्ट्स इट इट कॉन्वर्ट्स इट इनटू अ फ्लोट द लेफ्ट हैंड साइड वॉज एंड देन डज़ द असाइनमेंट याद रहे कि जी ऑपरेशन आर क्वाइट डिफरेंट इंटिजर के ऑपरेशन मेमरी के अंदर डिफरेंट हैं फ्लोट्स के डिफरेंट हैं सो यू नीड टू डू सम कन्वर्जन Same thing happens if you say i is equal to x. So float, jo tha x, usko convert kiya jayega integer ke andar, aur phir wo integer ki value jo hai, wo i ko assign kardi So conversion happens all the time. The question is, can we do conversion with objects of our own classes? Answer is obviously yes, because if you go to the basic definition, we said a class is nothing but a user-defined data type. अगर ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है तो इसके ऊपर हम कन्वर्जन भी डिफाइन कर सकते हैं आई गिव यू अ क्लासिक एग्जाम्पल सपोज डेट जो है वो हमने सीरियल नंबर के फॉर्म के अंदर रखी हो ठीक है सो इट्स नाउ इन इंटीजर आप सोच रहे होंगे हाउ इज़ एन इंटीजर हाउ कैन इट रिप्रेजेंट अ डेट आल गिव एन आइडिया सपोज हम कहते हैं कि जी फर्स्ट जनवरी ऑफ द ईयर 1900 हंड्रेड वहाँ से गिनती शुरू कर दो सो वन वन नाइनटीन हंड्रेड इज डे वन सेकेंड ऑफ जनवरी इज डे टू थर्ड ऑफ जनवरी इज डे थ्री सो चलते आए चलते आए एक सदी गुजर गई यर टू थाउजेंड के अंदर कोई डेट का सीरियल नंबर आ रहा होगा एक सिंगल इंटेजर काफ़ी लंबा जो कि रिप्रजेंट करेगा नंबर ऑफ डेज सिंस अ पर्टिकुलर डेट और अगर आप इसको फर्स्ट जनवरी येयर जीरो ज़ीरो ले लें तो एक किस्म का एक एब्सोलूट रेफरेंस आपके पास आ जाता है अगर आपको एसाइड बताऊं, एक्सेल में जाएं, तो आपको ये सीरियल नंबर मिलेगा एज अ डेट वैल्यू वहाँ पे डेट का एक सीरियल रिप्रेजेंटेशन भी है विच इज़ एन इंटीजर सो सपोज़ कि हम डेट के अंदर भी उसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मंथ डे ईयर नहीं रखते बल्कि एक लॉन्ग इंटीजर रख लेते हैं कैन आई नाउ राइट समथिंग लाइक एक ऑब्जेक्ट है टाइप डेट का कॉल्ड डी और एक इंटीजर है आई कैन आई से डी इज इक्वल टू आई नाउ अब आपको मैंने प्रॉब्लम तो पहले ही खोल के बता दिया यू अंडरस्टैंड के जी मैं चाहूँगा कि आई जो है वो डी के सीरियल नंबर के अंदर चला जाए लेकिन इन अ वे वॉट यू वॉन्ट टू डू इज कॉन्वर्ट द इंटीजर आई इन टू अ डेट ऑब्जेक्ट जिसमें आई का वैल्यू जो है वो सीरियल नंबर में चली जाए और फिर वो डेट ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है वो डी को असाइन हो सो so, यू हैव अ कॉन्प्ट अब कन्वर्जन शुड भी पॉसिबल हाउ कैन वी डू इट फॉर एग्जाम्पल विद दिस दिस डेट ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं देखें अगर हम डेट के लिए कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दें जो कि एक इंटीजर लेता हो तो सी प्लस प्लस ऑटोमेटिकली उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगी इट विल ऑटोमेटिकली कॉल दैट कंस्ट्रक्टर यूज द वैल्यू ऑफ द इंटीजर आई इन दैट कंस्ट्रक्टर एंड क्रिएट अ डेट ऑब्जेक्ट और फिर अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर में हमने ही लिखना है कैसे उसको सीरियल नंबर के अंदर ले जाना है बट द कंस्ट्रक्टर विल रिटर्न अ वैलिड डेट ऑब्जेक्ट और फिर आगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर ही है डी इक्वल टू लिखा हुआ है उसको राइट right साइड पे एक डेट ऑब्जेक्ट नजर आएगा असाइनमेंट हो जाएगी ऑन द अदर हैंड अगर कंस्ट्रक्टर ना हो तो फिर हम कन्वर्जन फंक्शन भी लिख सकते हैं कन्वर्जन फंक्शन हम कास्ट ओकेजनली इस्तेमाल करते आए हैं और कास्ट का तरीका ये था कि जी जिस चीज़ को भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उससे पहले कास्ट जो है उसका नाम दे देते हैं पैरथिसिस के अंदर सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर एक्स इक्वल टू आई लिखना है जहाँ एक्स एक फ्लोट है और आई एक इंटीजर है तो आई कैन ऑल्सो राइट एक्स एक विद इन परेंथेसिस फ्लोट आई एंड दैट विल बी द कन्वर्जन ऑपरेटर नॉर्मली तो ये बाई डिफॉल्ट हो रहा होता है बट समटाइम्स वी वॉन्ट टू फोर्स इट तो डी डेट के लिए डेट क्लास के लिए अगर हमने एक कन्वर्जन ऑपरेटर लिखना हो जो कि एक इंटीजर को लेके कन्वर्ट कन्वर्ट करें दिस इज़ नॉट आर ओल्ड डेट क्लास दिस इज़ द न्यू वन वी कोड राइट अ कन्वर्जन फंक्शन फंक्शन जो है वो डेट क्लास का मेम्बर ही होगा इट हैज़ टू बी अ मेम्बर इट विल रिटर्न नथिंग बिकॉज इट्स अ कन्वर्जन फंक्शन सो उसका जो सिंटैक्स है वो यही होगा कि जी Date, and then empty parentheses. And that will mean that this is now a conversion function. Then in body, you Value will And you can define the operator, and it will return, and it will work like that. You will write within parentheses the name of the conversion operator. Float, int, whatever is relevant for your class. So conversion functions are quite interesting, and they allow us to manipulate objects of different classes. फॉर एग्ज़ाम्पल अब क्लासेस को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म की क्लास पड़ी हुई है एक तरफ ट्रक है एक तरफ कार है हम कहते हैं कि जी कार को ट्रक में कैसे कन्वर्ट किया जाए तो वी कुड राइट अ कन्वर्जन ऑपरेटर विच सेज टेक अ कार कन्वर्ट इट इंटू अ ट्रक एंड देन असाइन इट टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ट्रक सो कन्वर्जन ऑपरेशन जिस तरह हम आम लैंग्वेज में इंटीजर्स और डबल्स और फ्लोट्स को मिक्स करते रहते हैं वी कुड डू दैट ईजिली लेटस्ट टेक लुक एट अ रादर कॉम्प्रीहसि एग्जाम्पल जहाँ पे ये कन्वर्जन फंक्शन इस्तेमाल होते हैं द एग्ज़ाम्पल आई एम गोइंग टू शो यू वो आप हैंड आउट्स के साथ ज़्यादा उसको रेफ़र करें क्योंकि कोड जरा सा लंबा है लेकिन एग्ज़ाम्पल जो है वो है क्लास फ्रैक्शन का ना वाई अ क्लास कॉल्ड फ्रैक्शन पहले तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए देखें वॉट अबाउट फ्रैक्शन ऑफ द टाइप वन ओवर थ्री वन ओवर थ्री को अगर आप कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करेंगे दो तीन चीज़ें होंगी इट विल बी स्टोर्ड एज लेट्स ए डबल प्रिसजन नंबर हम कहते हैं x इक्वल्स वन ओवर थ्री पहली चीज़ के जी वन ओवर थ्री स्टोर करने का कोई तरीका नहीं है सो इट एक्चुअली डज अ डिविजन ऑफ वन डिवाइडेड बाई थ्री डबल प्रिसजन डिवीजन और वो जीरो पॉइंट थ्री 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 उसकी वैल्यू आती है और कितने थ्रीज लगते हैं डिपेंड करता है कि जी डबल प्रसिजन नंबर के लिए मेमोरी में जगह कितनी छोड़ी हुई है दैट वैल्यू इज असाइंड टू अ डबल वेरिएबल सो व्हाट हैपन्स जब मैं उस डबल वेरिएबल को लेके तीन से जरब दे देता हूँ इफ आई से थ्री टाइम्स एक्स फिर एक्स वॉज इक्वल टू वन ओवर थ्री जवाब क्या आएगा वेल यू कैन सी वॉट द आंसर इज आंसर विल बी जीरो पॉइंट नाइन 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 वॉट एवर द नंबर ऑफ डिजिट्स वॉज प्रॉब्लम इज वन ओवर थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री ज़ वन इट इज़ नॉट जीरो पॉइंट नाइन 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 सो कई दफ़ा यह प्रॉब्लम आता है कि जी हम एग्जैक्टली exactly रिप्रजेंट करना चाहते हैं नंबर्स को फ्रैक्शन क्लास इस तरह की क्लास है जहां पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे देते हैं ऑब्जेक्ट को और वो अलहदा अलहदा ही उनको रखता है इट विल ऑलवेज कीप दम एज एन इंटीजर न्यूमरेटर एंड एन इंटीजर डिनोमिनेटर एंड देन वी कैन डू ऑल काइंड ऑफ अरेथमेटिक विद इट ऑब्वियसली क्लासेस लॉन्ग बट यू कैन सी क्या अंदर अगर वन अलग से स्टोर किया हुआ है और थ्री अलग से स्टोर किया हुआ है एक ऑब्जेक्ट के अंदर और मैं कहूँ कि जी इन दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करो हाउ डू वी ऐड दम वेल बाय नाउ वी हैव इनफ टूल्स एट आर डिस्पोजल द टूल्स आर वी कैन ओवरलोड द एडिशन ऑपरेटर नाउ आई कैन टेक वन ओवर थ्री एज जो अरिथमेटिक में फ्रैक्शन लिखते हैं और इसमें जमा कर लूँ मैं टू ओवर फाइव एंड आई शुड कम अप विद एनदर फ्रैक्शन विच इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट द राउंड ऑफ एरर्स द ट्रंकेशन द कन्वर्जन ऑफ इंटेजर्स इन टू डबल प्रिस एक्सेट्रा वो सारी वरीज खत्म हो जाती हैं ये तो एक हमारा मैथमेटिक्स में से एग्जाम्पल था कोई रियल वर्ल्ड में से एग्जाम्पल आपका ख्याल आता है देखिए वॉट हैपन्स इफ यू आर डीलिंग विद करेंसी बैंक्स जो हैं वो दिन रात करेंसी के साथ काम करते हैं और करेंसीज़ जो हैं वो हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स में डील कर रहे होते हैं भाई किसके अकाउंट का कितना बैलेंस है उस पर कितना प्रॉफिट लगाना है इसमें से क्या चीज़ विड्रॉ हुई है इसमें क्या डिपॉजिट हुए हैं लेकिन अगर बैंक कहे आपको कि जी इस साल हमने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है थ्री पॉइंट सेवन परसेंट तो आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे पड़े हुए हैं उसका थ्री अगर कैलकुलेट करें तो क्या वो एग्जैक्टली exactly रुपीज एंड पैसाज के अंदर पूरा आएगा या डॉलर्स एंड सेंट्स के अंदर पूरा आएगा या पाउंड्स एंड पेनीज के अंदर पूरा आएगा यानी नॉर्मली हमारी करेंसीज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड वेन एवर वी अप्लाई सम काइंड ऑफ रेट्स इन परसेंटेजेस वो मल्टीप्लीकेशन या डिविजन का रिजल्ट जो है वो तीन चार डेसीमल प्लेस बन जाता है इन ऑर्डर टू मैंटेन एक्यूरेट करेंसी कॉम्पूटेशन यू डोंट वॉन्ट बैंक्स के नॉट कि जी नौ रुपए और दस पैसे के अंदर नबे पैसे जमा करें तो वो दस रुपए और एक पैसा बन जाए दे कॉन्ट अफोर्ड दैट इट हैज़ टू बी एक्यूरेट अरिथमेटिक सो दे डू नॉट रिलाई ऑन प्रोग्राम्स दैट यूज समथिंग लाइक डबल प्रिसजन नंबर्स टू रिप्रेजेंट करेंसीज दे वुड राधर हैव रिटन इन द प्रोग्राम कि इसको स्ट्रिंग के तौर पर ट्रीट करो नाइन इज़ अ स्ट्रिंग वन जीरो इज़ अ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग एडिशन्स डिफाइन करो कि जी पॉइंट वन जीरो के अंदर पॉइंट नाइन जीरो दो स्ट्रिंग्स को एड करें तो इट शुड रिजल्ट इन वन पॉइंट जीरो जीरो सो देर लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट हैपन इन द रियल वर्ल्ड और वो हमें फोर्स करता है एज प्रोग्रामर्स टू प्रोग्राम थिंग्स डिफरेंटली सो वी डोंट यूज नेटिव डेटा टाइप्स अगेन एज अ लिटल बिट ऑफ हिस्ट्री कोबॉल पुरानी लैंग्वेज बट विच वॉज अ बिजनेस ओरिएटेड लैंग्वेज याद है कॉमन बिजनेस ओरिएटेड लैंग्वेज उसके अंदर ये फैसिलिटी थी दैट यू कुड रिप्रजेंट डेसिमल नंबर्स एग्जैक्टली और इंटरनली वो इसी तरह कर रहा होता कि स्ट्रिंग्स रखी हुई हैं और उसको अगर मेमरी में देखो तो पूरी स्ट्रिंग नज़र आती थी कोई आर्टिफिशल कंप्यूटर रिप्रजेंटेशन ऑफ नंबर्स नज़र नहीं आती थी यहाँ पर पूरा आगे आके एवोल्यूशन हो गई नई लैंग्वेज आ गई पर अब हमारे पास वो फैसिलिटी आ गई है अब हम लैंग्वेज को नहीं देखते हम कहते हैं इस लैंग्वेज ने हमें फैसिलिटी इतनी दे दी है कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है मैं उस किस्म की डेटा टाइप आपको लिख देता हूँ सो इफ यू थिंक ऑफ फ्रैक्शंस दैट वॉज वन स्पेसिफिक डेटा टाइप दैट वी माइट वॉन्ट टू क्रिएट टू स्टोर द न्यूमरेटर एंड द डिनिनेटर सेपरेटली एंड नेवर लूज प्रिसन इन अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। सेम थिंग अप्लाइज टू ऑब्जेक्ट्स लाइक करेंसी विक वी कुड स्टोर द होल नंबर पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट बोथ एज सेपरेट इंटिजर्स एंड नैवर लूज एक्यूरेसी but whenever we get into these classes then it is our responsibility to start writing all of the operators that are required and that makes a complete class shuru humne discussion ki thi conversion function se to agar fraction ko liya jaye you can think of a constructor which is एक इंटीजर लेता हो और उसको फ्रैक्शन बना दे एक इंटीजर से फ्रैक्शन कैसे बनेगा देखें पहली चीज़ as a fraction हम नहीं चाहते कि कोई चीज़ भी वन ओवर ज़ीरो हो जाए या वन एनी थिंग ओवर जीरो ना हो ऐसा फ्रैक्शन हमें डील करना नहीं आता सो so हम ये करते हैं कि जी उसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो देते हैं वो दो इंटीजर्स लेता है एक न्यूमरेटर के लिए और एक डिनोमिनेटर के लिए लेकिन डिनोमिनेटर को हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे देते हैं इक्वल्स वन सो दैट मीन्स कि अब आप एक फ्रैक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय पासिंग इट अ सिंगल इंटीजर इन विच केस इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज वो सिंगल इंटेजर जो पास हुआ वो न्यूमरेटर होगा और जो डिफॉल्ट वैल्यू है डिनमिनेटर की वो वन उसके साथ मिलके एक फ्रैक्शन बन जाएगा क्यों मैंने इस कंस्ट्रक्टर की बात की अगर हमारे पास फ्रैक्शन एक ऑब्जेक्ट हो f और मैं लिखूँ f इक्वल्स थ्री वॉट विल हैपन इज दैट ऑटोमेटिकली दिस कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड विच टेक्स अ सिंगल integer as an argument. An object of type fraction will be created and the assignment carried out. In a way, this is nothing more than the conversion operation, the conversion of an integer into a fraction. So you can write your own conversion operator or you can use a single argument wala constructor wobi conversion ka kam karega. You can't use both, you have to write one or the other. So you have to be careful.

आई विलीव बाई सेंगी ये याद रहे कि हमें सारी थिंकिंग और मेहनत क्लास की डेफिनेशन पे करनी पड़ती है और जितनी मेहनत आप वहाँ पे कर देंगे उतना ही उसका इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा सो टिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफ